हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में भिंडी खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, क्या आपको भिंडी खानी चाहिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आ जाते हैं सीधा टॉपिक पर। दोस्तों, भिंडी से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगा और उसके बाद इसके नुकसान क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले फायदे बता देते हैं आपको। देखिए, विटामिन सी, विटामिन B9, फोलेट, डाइट्री फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें भिंडी में मिलती हैं और गर्भ में पल रहे शिशु को इससे बहुत फायदे होते हैं। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा होता है फाइबर का। फाइबर से भरपूर जो भिंडी होती है वो गर्भवती महिला की पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है और ये आंतों को विषैले तत्वों से बचाती है और ये उन चीज़ों को बाहर निकालती है, जिससे आपका पेट साफ रहता है। प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को ऐसा होता है, पेट की समस्या बनी रहती है, कब्ज की समस्या बनी रहती है। तो भिंडी आपके लिए सबसे पहला देती है फ़ायदा फाइबर होने का। दूसरी चीज़ होती है वजन। भिंडी में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होने के साथ पोषक तत्व इसमें भरपूर होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान वजन को नियंत्रित रखने के साथ बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही फाइबर से भरपूर होने के कारण पाचन क्रिया को सुचारू रूप से काम करने में भी फायदा होता है। तीसरा फायदा गर्भपात। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आती है बार बार और बार बार गर्भपात हो जाता है, तो यह उन महिलाओं को गर्भ धारण करने के साथ गर्भपात जैसी समस्या से भी महिला को सुरक्षित रखने में मदद करती है। यानी कि आप पहले महीने से भी भिंडी खा सकते हैं, इस बात से साबित होता है, क्योंकि 3 महीने जो होते हैं पहले, उन्हीं महीनों में ज़्यादातर गर्भपात होता है और ये आपको गर्भपात होने से बचाती है, ध्यान रखिए। अगला फायदा कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हृदय संबंधी समस्या होने का कारण बन सकता है। ऐसे में भिंडी का सेवन करने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर गर्भवती महिला के शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित रखता है, जिससे महिला को कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या हृदय संबंधी समस्या होने का खतरा बहुत कम होता है। अगला फायदा ब्लड शुगर लेवल। हाँ जी, प्रेगनेंसी के दौरान भिंडी का सेवन रक्त में शुगर के लेवल को सामान्य रखता है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है वो आपको नहीं हो पाती है। कई महिलाओं को शिकायत होती है, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। और अगला फ़ायदा होता है आपकी इम्यूनिटी को लेकर। हाँ जी, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो महिला के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे महिला और गर्भ में पल रहे शिशु को किसी भी बाहर का संक्रमण जो होता है वो उससे बचे रहने में मदद मिलती है, उससे ये बचाता है, ठीक है। अगला फ़ायदा होता है विटामिन के। इसमें विटामिन के होता है, जो कि हड्डियों के लिए, विशेषकर शिशु की हड्डियों के लिए फ़ायदा देता है, ठीक है। लसलसा जो इसमें पदार्थ होता है वो भिंडी में जो मिलता है, आपने देखा होगा लसलसा, तो उसमें विटामिन के होता है, ठीक है। और अगला फ़ायदा होता है एनीमिया। दोस्तों, एनीमिया की शिकायत महिलाओं में बनी रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। आयरन की कमी होगी तो एनीमिया रोग बनेगा, इसलिए ये आपको आयरन की जैसी बीमारियां नहीं होने देगी, आयरन की कमी नहीं होने देगी और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा रखेगी, ठीक है, जिससे एनीमिया जैसी शिकायत आपको नहीं होगी। और इसके अलावा शिशु का विकास। हाँ जी दोस्तों, शिशु का विकास में फोलेट जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है और फोलेट भिंडी में मिलता है, इसीलिए मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, दोनों विकासों के लिए भिंडी फायदेमंद होती है, इसलिए भिंडी ज़रूर खाइएगा प्रेगनेंसी के दौरान। अब दोस्तों, मैंने आपको इसके कई फायदे बता दिए हैं, जो जो इसमें पोषक तत्व होते हैं वो किस किस में फ़ायदा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके नुकसान बता रहा हूँ। वैसे तो इसको नुकसान ज़्यादा है नहीं, वैसे आपको मैं बता देता हूँ। गर्भवती महिला यदि भिंडी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करती है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में, तो इसके कारण महिला को पथरी जैसी समस्या का कारण हो सकता है, ठीक है। पथरी जो होती है, गुर्दे की पथरी, पित्त की पथरी, कुछ भी इसमें पथरी बन सकती है, क्योंकि इसमें जो दाने होते हैं भिंडी में वो कई महिलाएं उसको भी खा जाती हैं, जिससे कि पेट में पथरी होने का चांस रहता है। लेकिन ये जो होता है ज़्यादातर ज़्यादा खाने पर होता है, आप लिमिट मात्रा में खाएंगी तो ऐसा कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगा, ठीक है।
बस ये कि इसमें ये नुकसान होता है, बस आपको अगर अपने डाइट के हिसाब से भिंडी खाएंगे लिमिट मात्रा में तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, इसके कोई भी नुकसान नहीं होते, केवल और केवल इसके फ़ायदे होते हैं। तो यह होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भिंडी खाने के फ़ायदे और नुकसान। तो ऐसे में गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि गर्भवती महिला और शिशु दोनों को इससे फ़ायदे मिल सके। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब।